तो चलो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी कि बॉम्बर जेट फाइटर ड्यूरिंग द वॉर टाइम दुश्मन के इलाके में जब बम उसको अगर बम गिराना है, अपने टारगेट को अगर बर्बाद करना है, तो कितने एंगल ऑफ विजन टू द टारगेट विथ वर्टिकल के साथ, क्योंकि ये हवाई जहाज चलाते समय ये बॉम्बर जब ऊपर से उड़ेगा तो टारगेट उसको नीचे नजर आएगा, तो वो जो टारगेट उसको नजर आता है वो जो उसका एंगल ऑफ विजन होगा वर्टिकल के साथ, कितने पर्टिकुलर एंगल में वो बम को रिलीज करेगा ताकि बम टारगेट पर जाकर एग्जैक्टली गिरे, ये हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पर कंसीडरेशन किया हुआ है, प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है कि एक बॉम्बर मतलब एरोप्लेन फाइटर प्लेन उड़ान भर रहा है एट अ सर्टन हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड और उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, और नीचे यहाँ पर कहीं टारगेट है जिस टारगेट को उसको बर्बाद करना है। तो जब ये हवाई जहाज उड़ाता हुआ ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका जो एंगल ऑफ अ विजन होगा ऑफ द टारगेट विद द वर्टिकल है ना, ये एंगल जो है वो चेंज होता चला जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर है तो इतना एंगल होगा, आगे बढ़ेगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, और ऐसा करते करते टारगेट के एग्जैक्टली ऊपरी पॉइंट पर जब आ जाएगा वो बॉम्बर तो टारगेट तो उसको एग्जैक्टली नीचे दिखने लगेगा ना। तो सोचिए कि बॉम्बर ने एग्जैक्टली टारगेट के ऊपर आने के बाद में बम को रिलीज किया तो बम टारगेट पर गिरेगा क्या? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये बॉम्बर बम को रिलीज करता है तो बम जो है इस तरह से ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ टारगेट के ऊपर गिरने वाला है। मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। और लेट अस इमेजिन कि थीटा इतने एंगल से रिलीज करने के बाद में अगर वो टारगेट को हिट करता है फॉलोइंग दिस ट्रैजेक्टरी, तो ये थीटा एंगल कितना होगा ये हमको निकालना है। अब ये थीटा एंगल निकालने के लिए हमको पता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा को ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, और जब बम रिलीज किया जाएगा तो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ जब आगे बढ़ेगा तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। अब सोचिए कि इस तरह के मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब जो है वो कॉन्स्टेंट बनी रहेगी बिकॉज एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अ जीरो, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब ये बम जमीन पर गिरेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा इक्वल टू इट्स हाइट अबाउ द ग्राउंड, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उतने टाइम में, लेट्स से इट इज नथिंग बट द एक्स। अब वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर लगा हुआ टाइम हम निकाल पाए तो फिर उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल स्पीड से जाता हुआ ये बम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हम निकाल पाएंगे। और अब वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम निकालने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू नो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ जो डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हमने एच कहा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस अगर चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन जो एक्ट होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होगा, और इनटू हम आगे करेंगे टाइम का टी स्क्वायर। अब हाइट मतलब टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है जमीन पर गिरने के लिए बम को, 2 किलोमीटर 2000 मीटर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी होगी। अब देखिए बम को जस्ट रिलीज करने के बाद में उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो बिकॉज इट इज जस्ट रिलीज्ड, तो देयरफॉर ये अगर जीरो हो गया तो इसको हम इग्नोर करेंगे प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, हालांकि 9.8 होती है, और इनटू रहा ये टी स्क्वायर। तो अब इसके ऊपर से आपको टी स्क्वायर अगर निकालना है तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2000, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 4000,
डिवाइडेड बाय ये 10 इधर चला जाएगा नीचे, 0 0 हो गया कैंसिल, तो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 एंड हेंस वी कैन से टी मस्ट बी इक्वल्स टू 20 सेकंड, क्योंकि 400 का जो रूट होता है वो 20 होता है। तो बम को थीटा इतने एंगल से रिलीज करने के बाद में जमीन पर गिरने के लिए टाइम लगेगा 20 सेकंड। अब जमीन पर गिरने के लिए जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसने उतनी देर में मतलब 20 सेकंड में जमीन पर गिरने के लिए जो टाइम लगा हुआ है उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्टेंस हमको चाहिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड हमको लेनी पड़ेगी, और हम जानते हैं कि बम की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी एंड इट मस्ट बी इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम लगा हुआ है 20 सेकंड, क्योंकि 20 सेकंड के लिए उसकी मोशन रहेगी जब तक वो जमीन पर गिरेगा तब तक। और अब 100 × 20 तो ये हो जाएगा ऑफकोर्स 2000, तो देयरफॉर वी कैन से कि जितनी देर में वो जमीन पर गिरेगा उतनी देर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा 2000 मीटर। तो थीटा इतने एंगल से रिलीज करने के बाद में वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब टारगेट को हिट करने पर वर्टिकल डायरेक्शन में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2000 मीटर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2000 मीटर। तो अब ये थीटा अगर हमको निकालना है तो वी कैन से दैट टैन थीटा इज इक्वल्स टू होगा अपोजिट मतलब 2000 अपॉन एडजेसेंट इज ऑल्सो 2000, 2000 अपॉन 2000 इज नथिंग बट द 1। नाउ वी कैन से दैट टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब कौन से एंगल का टैन 1 होता है? 45 डिग्री, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट द थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉम्बर 45 डिग्री इतने एंगल ऑफ विजन ऑफ द टारगेट विद द वर्टिकल को अगर बम रिलीज करता है तभी बम टारगेट पर जाकर गिरेगा, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसके बाद में अगर वो रिलीज करता है तो बम कहीं आगे जाकर गिरेगा, और उसके पहले ही अगर वो रिलीज करता है तो बम टारगेट से पहले ही कहीं गिरेगा। तो टारगेट को एग्जैक्टली अगर हिट करना है तो उसको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए ताकि वो बम को प्रॉपर एंगल पर रिलीज करके टारगेट को बर्बाद कर दे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये सब वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ फिर से जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम, पढ़ाई करते रहो।